क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस टीम को पक्की टिप मिली थी कि एक युवक जरीपटका परिसर में किसी को माल बेचने जा रहा है। खबर के आधार पर जाल बिछाया गया। इससे पहले कि ग्राहक युवक तक पहुंचता, पुलिस ने उसे दबोच लिया है। तलाशी में एमटी के साथ लोडेड पिस्तौल भी बरामद हुई है। इसी दौरान एक युवक को पुलिस ने संदेह के आधार पर दबोचा। उसके पास भी पुलिस को एमटी की पुड़िया मिली। पकड़े गए आरोपियों में टेकड़ी लाइन सीतावर्टी निवासी निखिल संतोष सावड़िया और रजा टाउन कामटी रोड निवासी शेख साहिल शेख महबूब का समावेश है। निखिल सीतावर्टी परिसर में दुकान चलाता है। वह आनंद नगर निवासी मृणाल गजबी के लिए काम करता है। मृणाल को इसके पहले भी पुलिस ड्रग्स बेचने के मामले में पकड़ चुकी है। कोरोना का आधार लेकर वह जेल से जमानत पर छूट गया, दोबारा धंधे में सक्रिय हो गया। पुलिस को जानकारी मिली कि मृणाल अपने किसी पंटर के जरिए किसी को जरीपटका में माल बेच रहा है। खबर के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया। दोपहिया वाहन क्रमांक MH31FK6807 पर निखिल को दबोचा। तलाशी लेने पर 1,47,000 रुपए की 14.75 ग्राम एमडी बरामद हुई है। निखिल के पास देसी पिस्तौल भी बरामद हुई, उसमें जिंदा कारतूस भी था। पुलिस ने कुल 2,43,000 रुपए का माल जब्त किया है। वह माल किसे बेचने जा रहा था यह पता नहीं चल पाया है। निखिल का कहना है कि मृणाल ने ही उसे माल और पिस्तौल दी थी। जरीपटका पहुंचने पर वह बताने वाला था कि माल किसे देना है, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। निखिल के पकड़े जाते ही मृणाल का फोन बंद हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पिस्तौल के बारे में जानकारी मिलेगी। न्यायालय ने निखिल को 3 दिन की पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। एनडीपीएस टीम जरीपटका परिसर में ही गश्त कर रही थी कि साहिल दुपहिया वाहन क्रमांक MH49R9631 पर जाता दिखाई दिया। पुलिस को पहले से जानकारी थी कि साहिल टेका के मकसद का माल बेचता है, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने पीछा करके साहिल को दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास 1.71 ग्राम एमटी बरामद हुई है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन ड्रग्स की मात्रा कम होने के कारण उसे जमानत मिल गई। डीआईजी सुनील फुलारी, डीसीपी गजानन राजमाने और एसीपी सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर सार्थक नेहती, एपीआई बयाजीराव कुरले, सूरज सुरोशी, हेड कांस्टेबल प्रदीप पवार, राजेश देशमुख, समाधान गीति, नामदेव टेकाम, कांस्टेबल विनोद गायकवाड़, नितिन मिश्रा, कपिल कुमार तांडेकर, अश्विन मांगी, समीर शेख, नितिन साळुंकी, राहुल पाटिल और रुबीना शेख ने कार्यवाही को अंजाम दिया। एनडीपीएस टीम को शनिवार रात को एक जानकारी मिली थी कि एक बंदा है शेख साहिल वल्द शेख महमूद, ये एमडी लेके जा रहा है जरीपटका पुलिस स्टेशन के हद्दी में, एक जगह कड़वी चौक के पास। तो एनडीपीएस टीम ने वहाँ पे एक जाल बिछाया था और ये बंदे को पकड़ लिया था। उसके जो फ्रिस्किंग किया था अपन, उसके उसमें 1.71 ग्राम एमडी जिसकी कीमत 17,000 रुपये है, उसकी बाइक और मोबाइल ऐसे जब्त किया और उसके खिलाफ गुना जरीपटका पुलिस स्टेशन में दाखिल किया। उसके बाद फिर से एनडीपीएस टीम उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी तो अपने को एक जानकारी मिली कि एक बंदा है निखिल सावड़िया जो फिर से एमडी लेके जा रहा है, तो उसको भी हमने एक जाल बिछाया था। उसको पकड़ा अपन ने इंदौरा चौक से, जरीपटका चौक जो रास्ता जाता है वहाँ पे इंदौरा की जो ट्रैफिक चौकी उसके पास उसको पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से अपने को 14.75 ग्राम एमडी जिसकी कीमत है 1,47,000 रुपये और उसके पास एक विदेशी बनावट का पिस्तौल जिसको माउजर बोलते हैं वो भी मिला है और एक कारतूस भी मिला है। तो ये जब्त किया गया, उसके खिलाफ भी जरीपटका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है। उसको ज़्यादा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसको ये एमडी और जो माउजर है वो मृणाल गजभिये नाम के एक अपराधी ने दिया था। मृणाल गजभिये जो है ये रिकॉर्ड पे का आरोपी है एमडी का, इसके ऊपर गुने दाखिल है और ये अपने पास अटक भी था, 4-5 महीने जेल में भी था। तो अभी वो लापता है, तब से उसकी भी पुलिस छानबीन कर रही है। ये कार्रवाई श्री फुलारी सर और श्री राजमानी सर के मार्गदर्शन में एनडीपीएस सेल ने की हुई है। नहीं, निखिल ये 12th कॉमर्स का स्टूडेंट है अंबेडकर कॉलेज का, इसके ऊपर अभी तक तो कोई गुनाह दाखिल नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।